जज भी किया था और मैंने काफ़ी शोज़ करे हैं, जैसे जस्ट डांस इंडिया, ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप भी करी है, बैटल्स वगैरह भी करी हैं। तो अभी रुद्रपुर शहर में मैं इस डांस स्टूडियो को रन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सभी प्रकार की डांस कोरियोग्राफीज कराई जाती हैं, जैसे बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, लॉकिंग पॉपिंग, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी। हम लोग आपका वेडिंग कोरियोग्राफीज वगैरह भी करते हैं, लाइक स्कूल फंक्शन भी कोरियोग्राफ करते हैं, कंपनीज के एनुअल फंक्शन भी कोरियोग्राफ करते हैं। ने देखा वो वेडिंग कोरियोग्राफीज वगैरह होती हैं, उनको भी हम कोरियोग्राफ भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं। और कंपनीज के अंदर एनुअल फंक्शन होते हैं, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड, ड्यूगो मिंडा, स्पार्क मिंडा, टाइटन जैसी कंपनीज में हमने कोरियोग्राफीज भी करी है। और पिछले कई सालों से लगातार हम लोग उसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं, वो काम हम ही को मिल रहा है काफ़ी सालों से, 2013 से 2017 तक अभी हम ही कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और चल भी रहा है। जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी में हमारे कोरियोग्राफर्स कंटिन्यू भी जाते हैं, कंपनी ने हमें परमानेंट हायर भी किया हुआ है। सर, आपके डांस स्टूडियो में कितने ट्रेनर्स हैं और कितने बच्चे हैं? हमारे डांस इंस्टीट्यूट में 4 ट्रेनर्स हैं और अब 30-40 स्टूडेंट्स अभी हैं, अप डाउन होता रहता है, अभी 50 के करीबन हैं। और हमारा एक ब्रांच सामिया लेक सिटी में भी चलता है, यहीं पर ये लोकल में एक जगह है सामिया लेक सिटी, वहाँ पर भी चलता है। और एक रुद्रपुर के मेन मार्केट में भी चल रहा है, जो कि 2011 से कंटिन्यू है, सेम एड्रेस। सर, आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन से डांस फॉर्म सिखाई जाती है? हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासिकल, कथक, लॉकिंग, पॉपिंग, हिप हॉप, ब्रेक, बीमोइंग, फ्री स्टाइल, सालसा, कंटेम्प्रेरी, सभी मैक्सिमम सारे स्टाइलों की, अर्बन्स, आजकल अर्बन्स भी करा रहे हैं हम लोग, की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 3 मंथ्स के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और हमारे यहाँ 4 कैटेगरीज हैं सर्टिफिकेट्स की, बेसिक 3 मंथ्स, 6 मंथ में हमारा एलिमेंट्री होता है, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स हमारे यहाँ इंटरमीडिएट होता है डांस का, और फिर हम SPP बैच में बच्चों को लेके आते हैं, जो स्पेशल पोटेंशियल बैच होता है। और जो बच्चे उस स्पेशल पोटेंशियल बैच में जाते हैं, हम उनको स्पेशल ट्रेन करते हैं रियलिटी शोज के लिए। सेकेंड थिंग, एटीट्यूड। एक डांस कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर की तरह होता है,
तो एक एटीट्यूड अंदर से आना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं दिल से अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कहा जाता है डांस दिल से, अगर आप डांस करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। अगर एक हिप हॉप है तो हिप हॉप की तरह एटीट्यूड, अगर एक सालसा कथक या और भी कई वेराइटीज के डांस हैं, जैसे भांगड़ा जब डांस होता है तो वो एक खुशी के चेहरे के साथ होता है। कहीं ना कहीं आप दिल से और दिमाग से, चेहरे से, हर तरफ से आप खुश दिखने होने चाहिए। इसीलिए एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है डांस सीखने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज डांस एक सिर्फ और सिर्फ तरीका नहीं होता बल्कि वो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ए से एटीट्यूड होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ एन से मतलब होता है न्यू, क्योंकि नया नया हम हमेशा सीखते हैं। और इस समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं हनी डांस रॉकर्स एकेडमी में, और नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ हमारे साथ कई दर्शक और साथ साथ में कई स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि उनके अंदर कौन सा हुनर, कौन सा टैलेंट है जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में सिर्फ और सिर्फ यही उत्तराखंड के छोटी सी सिटी उधम सिंह नगर से वो लोग एक से एक जगह पर पहुंचेंगे और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सी से होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप दर्शकों, अगर आप सामने नहीं पहुंच पाते हैं और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डांस नहीं सीख सकते। डांस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का इनर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको एक अच्छा डांसर बनाता है। क्योंकि जब आपके सामने बैठे होंगे 10,000 कस्टमर या कह लीजिए 10,000 लोग जब सामने आके बैठे होंगे, उनके सामने आपको दिखाना है, और अगर आप शाई नेचर के यहाँ शर्माते हैं तो आप डांस नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखें कि आपको कहीं ना कहीं आपका शाई नेचर, कहीं ना कहीं अगर आप शर्माते हैं लोगों के सामने फेस होने से, आप डरते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करना होगा। डांस, अच्छा डांसर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा कि आप लोगों के सामने आ सकें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकें। जो यहाँ पे आपको कराया जाता है और सिखाया जाता है, ई से मतलब लास्ट आपका मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कभी होते हैं उदास के समय पे हम हंस के नहीं अपने एक्सप्रेशन लगा सकते। अगर कभी हम होते हैं उदास और कभी होते हैं हम खुश, तो एक्सप्रेशन, डांस इज सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेशन, और आपका एक्सप्रेशन बेहद जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं एसटीएन टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं मोहित बजाज। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पीछे देख सकते हैं उससे पहले कितने यहाँ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जो कथक, हिप हॉप, सालसा से लेके एक से एक वैरायटीज के डांस आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी। मैं अपने सेवकी से कहूँगा एक बार यहाँ कैमरा जरूर घुमाएं और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ लोगों के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अंदर से जोश है, और यहाँ पे वो लोग दिन भर अपना कामकाज छोड़ के, कोई पढ़ रहा है तो कोई अपना कार्यकाज कर रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ मौजूद हैं और सिर्फ डांस के लिए, क्योंकि डांस उनके कहीं ना कहीं रगों में बसा हुआ है और डांस की वजह से ही वो पहचाने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टाइम पास नहीं है डांस, डांस ही इंसान का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ मैं कहूंगा एक बार हमारे सहयोगी से कि एक बार यहाँ पे अचीवमेंट्स भी दिखाएं। आप देख सकते हैं कितने अचीवमेंट्स। ये एक ऐसी डांस अकेडमी है जो आपको एक परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट डांसर बना सकती है। आप देख सकते हैं लक बाय डांस और कौन कौन से अलग, स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब सोसाइटी से, और भी आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कितने अलग अलग, चाहे वो खादी बाजार हो, चाहे वो आप कह सकते हैं सिडकुल गणेश उत्सव हो, चाहे रुद्रपुर ट्रेड महोत्सव 2012 हो, चाहे वो दैनिक जागरण का कोई भी अलग कार्यक्रम हो, चाहे वो कह लीजिए श्री गणेश उत्सव जो सिडकुल में होता है 2014 का हो, चाहे वो और भी लक बाय डांस जो स्पेशल यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट जो यहाँ हनी शर्मा जी को मिला है, जो यहाँ के ट्रेनर हैं और मेन MD भी हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रा जो कि धर्मेश एक बहुत ही पॉपुलर डांसर हैं, और आप देख सकते हैं कि गुजरात ही नहीं बल्कि इस समय समस्त भारत में धर्मेश की एक अलग ही पहचान है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और कई सामाजिक संस्थाएं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ ये एसोसिएटेड हैं, और ये सिर्फ मेडल्स खरीदे नहीं गए हैं, ये मेडल्स वो मेडल हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके की इनर स्ट्रेंथ है और किस तरीके का डांस के लिए एक सिंसियर यहाँ पे व्यक्ति है जो आपको उत्तराखंड के अंदर। यहाँ देख सकते हैं सामने टाटा मोटर्स का एक मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है जो रिपब्लिक डे 2016 का है। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार उस पर जरा जरूर फोकस करें, क्योंकि टाटा जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज है, और उनकी तरफ से मिला गया ये आई थिंक
इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो सीधा सीधा तौर पे ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हनी डांस रॉकर्स अकेडमी यहाँ पे परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। बिकॉज जब तक पढ़ोगे तब तक बढ़ोगे, मतलब कि आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, और डांस निरंतर प्रयास, मतलब आप जब तक प्रयास करेंगे तब तक आप होंगे सफल। अब मैं यहाँ चाहूंगा कि हमारे साथ में इस समय पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, पेरेंट्स इस समय यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मैं आपसे जल्दी से कहूंगा इधर एक बार हमारे साथ में आए और पेरेंट्स के साथ अब हम आपके रूबरू कराएंगे, सीधी मुलाकात कराएंगे द टैलेंट शो में। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बहुत भोले भाले बच्चे हैं, हो सकता है कैमरे के सामने ये बच्चे ना बोल पाए, लेकिन ये लोग, ये बच्चे कल को भारत को, उत्तराखंड को और द टैलेंट शो को, पूरे पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। सर आपका क्या नाम है? सर महेश वर्मा। इस समय महेश वर्मा जी आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब डांस की ट्रेनिंग लेते हैं, और किस किस टाइप की ट्रेनिंग यहाँ पे लेते हैं? दो बच्चे हैं और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ जिससे कि वो आगे अपना परफॉर्म कर रहे हैं। सर किस तरीके की यहाँ पे प्रिपरेशन चलती है बच्चे, मतलब कितने बच्चे आपके यहाँ पे, मतलब ऐसा ट्रेनिंग ले रहे हैं? दो बच्चे हैं मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे नेशनल लेवल पे, जो नेशनल लेवल तक जा पाए डांस कम्पिटिशन में, उस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं नेशनल लेवल की प्रिपरेशन उत्तराखंड के उगम सिंह नगर से ली दी जा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। सर क्या नाम है बच्चों का? सर प्रीति। प्रीति, प्रीति जी आप कौन सा डांस सीख रही हैं? टीचर आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं आपको टीचर? डांस सिखाते हैं। बेटा कौन सा डांस आप सीख रहे हैं? क्लासिकल। क्लासिकल सीख रहे हैं। अभी तक आपने क्या सीखा है, एक स्टेप आप करके दिखाएं एक बार? क्या अभी आप एक स्टेप, कोई भी एक स्टेप अगर आप करके दिखाएं, कोई भी एक स्टेप जो आपने अभी तक सीखा है, कोई भी एक स्टेप आपको टीवी पे दिखाया जाएगा, एक स्टेप, कोई भी एक स्टेप जो आप दिखा सकते हो। आप डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि बोले वाले बच्चे होते हैं कई बार घबराते हैं, लेकिन आप एक स्टेप करके आप प्लीज दिखाइए इसको, कोई भी एक स्टेप जो आपने यहाँ सीखा हो। जी जैसा आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे कई बार घबराते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में दूसरे पेरेंट जुड़ चुके हैं। मैम आपका शुभ नाम? दीपा पाठक। मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनकी बहुत भोली वाली बच्ची इनके साथ में खड़ी हुई है, और मुझे लगता है ये एक बार हमारे दर्शकों को जरूर उनका मनोरंजन करेगी। और बेटा आपका शुभ नाम क्या है? कृतिका पाठक। इनका शुभ नाम है कृतिका पाठक, और कृतिका यहाँ पे डांस सीख रही है। कृतिका क्या आप एक डांस का स्टेप करके दिखाने में सक्षम है? अभी नहीं है क्या? आप डांस स्टेप दिखा सकते हैं अभी? क्या आप कोई डांस स्टेप दिखा सकते हैं? कोई भी एक डांस स्टेप। जैसा आप देख रहे हैं कई बार यहाँ पे बच्चे कई बार शर्माते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले कहूँगा कोई भी एक स्टेप कोई भी। अब ये इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है और छोटी सी भोली वाली बच्ची है रिमझिम। रिमझिम आप कैसे हैं? अच्छे हैं। जैसे देख रहे हैं सी से कॉन्फिडेंस, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, बिकॉज तुरंत बिना सोचे समझे एक जवाब दिया रिमझिम ने। और रिमझिम हमें अगर नेक्स्ट स्टेप एक बहुत अच्छा डांस, प्यारा सा डांस करके दिखाएंगे। म्यूजिक की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज बैकग्राउंड से एक बार म्यूजिक जरूर दें। बेटा कोई भी गाने पे आप करेंगे या विदाउट म्यूजिक करेंगे? जो सीख रहे हैं वो करेंगे। तो बेटा जो सीख रहे हैं, कोई भी एक डांस, कोई भी एक तरीका आप प्लीज करके दिखाइए, कोई भी एक स्टेप विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक। विद म्यूजिक, तो विद म्यूजिक अभी आपको रिमझिम करके दिखाएंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम आपको दिखा रहे हैं द टैलेंट प्रोग्राम, और हम लोग हैं हनी रॉकर्स एकेडमी में। हनी रॉकर्स एकेडमी में मैं हूं मोहित बजाज, और आप लोग देख रहे हैं एसटीएन टीवी न्यूज चैनल उत्तराखंड। उत्तराखंड पे आप देखेंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं और डांस में एक परफेक्शन लेके। आप देख सकते हैं पीछे से म्यूजिक भी अब रेडी हो गया है, और उसके साथ साथ हमारे साथ रिमझिम इस समय जुड़ेंगी, और रिमझिम अब आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डांस करके दिखाएंगी जो आप लोग उससे मनोरंजन भी ले सकेंगे, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आपका एक प्रेरणा सूत्र है, उसको जानना, उसको सीखना, उसको लिए आगे देखना आपके लिए कहीं ना कहीं है ज़रूरी। जी
बहुत अच्छा लगा रिमझिम, रिमझिम के अंदर एक कॉन्फिडेंस है और हम लोग आशा करते हैं कि रिमझिम आगे फ्यूचर में एक अच्छी डांसर बने और यहाँ पे एक अच्छी प्रेरणा लेके कहीं ना कहीं भारत में पूरे नेशनल के इंटरनेशनल लेवल पे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। आइए हम लोग चलते हैं अगले पेरेंट्स की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हमारे साथ अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र से लोग जुड़ चुके हैं। और आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? रागनी ठाकुर इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। रागनी ठाकुर जी बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे डांस की ट्रेनिंग दी जाती है और वो यहाँ पे कौन सा डांस सीख रही हैं। जी, मेरा नाम है रागनी ठाकुर और हनी रॉकर डांस एकेडमी में डांस सीखती हूँ और मैम और सब बहुत ही अच्छा डांस सिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से, और मैं बहुत खुश हूँ इस एकेडमी में एडमिशन लेके, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जैसा आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे बहुत ही खुश हैं और हम लोग इस समय थे रागनी जी के साथ। रागनी जी आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो ट्रेनर हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे नेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं। अगले पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आप बताइए कि आपका बच्चा कितने साल का है? मेरी डॉटर 12 इयर्स की और सन 7 इयर्स के और 1.5 ईयर से यहाँ पे डांस सीख। बहुत बहुत बढ़िया। और मेरी बेटी काफ़ी बाहर स्टेट पे प्राइज लेके आई है और विद इन रुद्रपुर में भी बहुत सारे ओकेजन में फर्स्ट प्राइज लेके आई है। देहरादून में जस्ट डांस इंडिया में भी ये सेलेक्ट हुई थी टॉप 50 में। जैसा आपने देखा बिकॉज ऑफ हनी रॉकर्स एकेडमी, मतलब कहीं ना कहीं हनी सर की वजह से वो आज कई जगह पे नेशनल अवार्ड भी जीती हैं। उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रपुर और कई छोटे इलाके बड़े इलाकों में रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को। एक बच्ची जो कि बेटा आप, आपका शुभ नाम क्या है बेटा? याशिका घई। बेटा आप ये बताइए आपने आज तक कौन कौन सी स्टेज पे परफॉर्म किया है? थोड़ा बेटा तेज बोलिए। ओके, जैसा आपने देखा कि यहाँ पे मैम की खूब तारीफ हो रही है, मैम यहाँ पे बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाती हैं और उसके साथ साथ हम लोग अगले पेरेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से और कौन कौन से टाइप के डांस सिखाए जाते हैं। बेटा आपका शुभ नाम क्या है? क्रिश। जैसे देख रहे हैं नाम में ही है जोश, क्रिश। तो बेटा क्रिश, आप क्रिश की तरह डांस भी करते हैं? नाम ही क्रिश है आपका। कौन सा सीखते हैं आप? भांगड़ा सीखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं भांगड़ा, जिसका नाम सुनते ही आप लोग के अंदर जोश आ जाए। भांगड़ा जो कहीं ना कहीं पंजाबी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो भांगड़ा ही एकमात्र ऐसा डांस है जो इनर स्ट्रेंथ, जब तक आपके अंदर दिल से खुशी नहीं होगी आप भांगड़ा को या भांगड़ा के स्टेप्स को कॉपी नहीं कर सकते, उनको दिखा नहीं सकते। और यहाँ पे बच्चे कितनी तरीके से यहाँ पे भांगड़ा सीख रहे हैं। तो अगला स्टेप हमारे साथ पीछे पंजाबी गाना बज चुका है और दारू बदनाम कर दिया आई थिंक गाना है, तो दारू बदनाम कर दिया कृष्ण जो हमारे साथ जुड़े हैं वो करके दिखाएंगे। ठीक है, आज ही बेटा आप भी आ जाइए और बताइए किस तरीके से यहाँ पे डांस किया जाता है। बेटा स्टेप एक आप स्टेप हो जाए ਜਿਦਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਤੋਰ ਦਿਸ ਤਾਰਾ ਬਨ ਖਾਵੇ ਔਰ ਨੀ ਜੀ ਤੋਰ ਕੁੜੀਏ ਤੋਰ ਕੁੜੀਏ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਸਰ ਕੀਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਰਖਵਾਰੇ ਪਤਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ निखारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे जो इस जो एकेडमी है इनकी जो ट्रेनर है मैडम है यहाँ पर बच्चों को सिखाती है क्योंकि वो गर्ल्स हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं आजकल जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं
लोग अपने बेटियों को घर से बाहर निकालने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हनी जी हैं उन्होंने एक ट्रेनर रखी है, वो है एक गर्ल्स है जो कि इन गर्ल्स को ट्रेनिंग देती है। आप घबराइए मत, इस ट्रेनिंग सेंटर में आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे, यहाँ की जो ट्रेनर है उनसे बात कराएंगे किस प्रकार से वो छोटी छोटी बच्चियों को ट्रेनिंग देती हैं, क्योंकि समाज आजकल जो हमारी सरकार है वो भी कहीं ना कहीं जागरूक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों को आगे लाना हमारा कर्तव्य है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है आप देख रहे हैं द टैलेंट, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो चाहे वो नौजवान हो, और आप भी इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, क्योंकि आज जो समाज में सबसे बड़ी बात आती है बेटियों को आगे लाने की। माँ बाप कहीं ना कहीं हिचकते हैं अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए, आप उन्हें एक मंच दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक वो काम कर रहे हैं जो समाज में लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हैं कि बेटियों को क्यों स्कूल भेजें या बेटियों को क्यों डांस सिखाएं, कहीं ना कहीं उसमें वो बुराई नज़र आती है। आपने किस संघर्ष के साथ जो यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँची है, सबसे पहले आप वो बताएं। हेलो, मेरा नाम पिंकी मरीना है, जो कि मेरे को 5 साल हो चुके हैं डांस अकेडमी में डांस कराते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं ये सोचते हैं कि गर्ल्स को नहीं भेजना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स एक टाइम में ऐसा बोलते थे, बट मैं आज इस लेवल में हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हो, मॉर्निंग में उठो क्लासेस जाओ अपने बच्चों को ट्रेन करो। तो मैं चाहती हूँ जितने भी पेरेंट्स ये सोचते हैं वो लोग अपने बच्चों को इस डांस अकेडमी में भेजिए, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर है जो कि डांस सिखाते हैं। मैं क्लासिकल बॉलीवुड एंड वेस्टर्न फ्री स्टाइल एरोबिक्स कराते हैं हम लोग यहाँ पे, बाकी अच्छे से और भी टाइप्स के डांसेस का और भी ट्रेनर है यहाँ। मैम सबसे पहले मैं SKN TV न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको पर्सनली थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि आप जो बच्चियों को दिखाने का काम कर रही हैं उन्हें एक मंच दे रही हैं। तो मैम जो आप इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग देती हैं, जब शुरुआती दौर में बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं घबराहट होती है या ये कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो कम होता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगाती है वो कैसे जगाती है, क्योंकि सबसे मेन बात है, तो हमारे दर्शकों को अपनी बात साझा की। पहली बार जब बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो हमारे यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, पहले सबसे पहले एरोबिक्स किया जाता है। एरोबिक्स करने से ये होता है कि बॉडी फिटनेस रहती है, हमारे जितने भी हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होता वो होता है। उसके बाद पहली बात तो बच्चों के थ्रू ही अपडेट किया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग कोई भी एक बेसिक स्टेप कराते हैं जो कि हर बच्चों को कराते हैं हम लोग, फिर बेसिक के बाद हम लोग कोई भी सॉन्ग के साथ अपडेट कराते हैं बच्चों को। थैंक यू मैम। तो मैम मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे TV न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं, बड़ी देर से जो इस अकेडमी को देख रहे थे, बच्चों का डांस देखा, आप ट्रेनर हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा TV न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आप भी कोई स्टेप करके दिखाएं, जिससे कि जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जो पेरेंट्स चैनल देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस अकेडमी में भेज सकें, और जो बेटियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं आगे लाने के लिए, उनको एक मंच दिलाने के लिए वो प्रेरित करेंगे आपके माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कोई स्टेप करके दिखाएं। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर एक जो गाना है मैम की पसंद का, मैम से सुनेंगे वो किस जो सबसे अच्छा सॉन्ग है आपका, जिसमें आप बार बार डांस करती हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। मैं एक्चुअली में जो कराती हूँ वो एक एक चीज़ दिखा देती हूँ, पहले बॉलीवुड भंगड़ा क्लासिकल एरोबिक्स बाकी सारे में थोड़ा थोड़ा मूव दिखाती हूँ जो मैं यहाँ पे कराती हूँ। तो थैंक यू, आपने देखा मैम को कितने सारे, मेरे को तो नाम भी नहीं आएंगे शायद, एरोबिक और भांगड़ा डांस बॉलीवुड के डांस पर क्या क्या आता है, इतनी छोटी सी उम्र में मैडम ने कितनी उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो मैम का डांस देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, आप कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं SKN TV न्यूज़ चैनल उत्तराखंड। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं द टैलेंट SKN TV न्यूज़ चैनल उत्तराखंड के साथ, और मैं हूं मोहित बजाज। अक्सर आप लोगों ने टीवी में देखा होगा एक बहुत पॉपुलर एक है डांस इंडिया डांस, जहां तक मुझे लग रहा है अगर मैं करेक्ट नाम ले रहा हूं तो डांस इंडिया डांस, और भी ऐसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम थे जहाँ पे काफी मशहूर एक डांसर था गुजरात वडोदरा का एक डांसर था जिसका नाम था धर्मेश। धर्मेश डांस अकेडमी के नाम से पूरे वडोदरा में मशहूर एक ऐसा जिसने सिर्फ और सिर्फ वडोदरा ही नहीं बल्कि उसके बाद नेशनल लेवल पे अपना एक नाम कमाया। हम मैं इस बात में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई थी कि जब एक लगातार चार लगातार पांच मतलब आई थिंक चार लोग लगातार सिलेक्ट हुए थे और जजेस ने लगातार पूछा था कि आप लोगों ने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, तो
उसने जब लास्ट में धर्मेश खुद आया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी तो कहा गया कि सबने कहा मैंने धर्मेश नहीं दिया है, और आखिरी में जब धर्मेश खुद आए तो उसके बाद जजेस हो गए हैरान। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ के भी जितने ट्रेनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इधर से ही सीख के इधर ही एज अ ट्रेनर बन गए, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए। इसके साथ साथ हनी रॉकर्स डांस एकेडमी जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को एक हुनर भी देती है, उस हुनर के साथ साथ वो आगे जाके एज अ ट्रेनर भी एज अ फ्यूचर बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेनर्स मैं उनको बुलाना चाहूँगा, यहाँ पे उनका वेलकम करना चाहूँगा। हनी सर प्लीज, अगर कोई ऐसे ट्रेनर्स हैं जो यहाँ से ही पढ़ के और यहीं पे वो एज अ ट्रेनर बन गए, या जो भी ऐसे ट्रेनर्स हैं प्लीज अगर वो आ जाएं हमारे दर्शकों के साथ एक बार साझा हो जाएं, तो प्लीज एक बार आप आ जाइए। जैसा आप देख सकते हैं सुरेश सर हमारे साथ मौजूद है, और सर शायद हो सकता है किसी अलग टाइप का डांस सिखाते हो, आइए पता करते हैं किस तरीके का कौन सा डांस सिखाते हैं और आखिरकार किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक अपना सफर तय किया। आप सर किस तरीके का डांस सिखाते हैं? जैसा आप देख रहे हैं हिप हॉप सर की कहीं ना कहीं भाषा में भी हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं हिप हॉप सिर्फ और सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि इनकी भाषा से भी हिप हॉप समझ में आ रहा है। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर सुशील कुमार। सुशील कुमार जी जो यहाँ के हिप हॉप ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ सालसा भी सिखाते हैं और भी कई तरीके के डांस यहाँ पे सिखाते हैं। और सर सर आप किस तरीके का डांस यहाँ पे सिखाते हैं? सर हिप हॉप फ्री स्टाइल एंड फ्री स्टाइल। ओके सर, फ्री स्टाइल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फ्री स्टाइल एक ऐसी स्टाइल है जिसमें सारी हिप हॉप अमेरिकन पॉपिंग जैज सारी स्टाइल मिक्स होकर वो एक स्टाइल होती है जिसे हम बोलते हैं फ्री स्टाइल। ओके, फ्री स्टाइल में मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है फ्री मतलब सब फ्री है, कुछ भी करिए, कैसा भी करिए और किसी भी तरीके का डांस आप करिए। जैसा अगर कोई म्यूजिक बैकग्राउंड से बच जाएगा तो शायद हम फ्री स्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं। मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम आप शायद यहाँ पे क्लासिकल सिखाते हैं या किस तरीके का डांस आप सिखाते हैं? क्लासिकल, बॉलीवुड, वेस्टर्न। मतलब यहाँ पे हर तरीके का डांस है, क्लासिकल, भांगड़ा, हिप हॉप, सालसा और भी जितने टाइप के डांस हैं। बिकॉज भारत एक ऐसा है देश जहाँ पे हर तरीके की भाषाएं, हर तरीके के डांस हैं, हर कुछ चंद किलोमीटर बाद डांस की टाइप भी बदल जाते हैं, कहीं भांगड़ा तो कहीं हिप हॉप, कहीं सालसा तो कहीं वेस्टर्न, कहीं बॉलीवुड तो कहीं कुछ और। तो वो सारे डांस आप यहाँ से सीख सकते हैं, आपका अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जैसे सर अभी सिखाएंगे सर फ्री स्टाइल सिखाते हैं, तो मैं कहूँगा फ्री स्टाइल का कोई भी एक स्टेप, कोई भी एक ऐसा स्टेप जो फ्री स्टाइल में हमारे दर्शकों को काफ़ी पॉपुलर हो जाए और वो मतलब दर्शकों तक पहुँच सके कि फ्री स्टाइल आखिरकार कौन सा डांस होता है। सर पहले आप फ्री स्टाइल के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या होता है फ्री स्टाइल? सर फ्री स्टाइल एक ऐसे स्टाइल है जिसको हम हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, जैज़, ऑल स्टाइल जो आपके दिमाग में स्टेप है उनको एक मैच करके एक सॉन्ग के लिरिक्स पे दो मिनट का स्टेप बनाते हैं, उनको उसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। एक सॉन्ग का परफॉर्मेंस देना एज अ फ्री स्टाइल। जैसा आपने देखा सॉन्ग का परफॉर्मेंस देना बिल्कुल बिना किसी फाउंडेशन के ऑन द स्पॉट आप जो भी परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज।
जहां हम अपने दर्शकों को बता दें जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है द टैलेंट। जी हां, द टैलेंट। आपके बच्चे में भी है एक टैलेंट, अगर आप उसे मंच देंगे तो जरूर उसके अंदर एक ना एक टैलेंट निकल कर आएगा, चाहे वो डांस का टैलेंट हो, चाहे वो सिंगिंग का टैलेंट हो, चाहे उसमें पढ़ने का जज्बा हो। कोई ना कोई टैलेंट हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर होता है। आप लगातार देख रहे थे आज हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर बच्चे हैं इनके अंदर किस तरीके का टैलेंट है, इनके अंदर टैलेंट है डांस का टैलेंट। अगर आप इसी प्रकार के प्रोग्राम देखते रहें और एसटीएन टीवी चैनल आपके लिए लगातार लेकर आएगा ऐसे ही प्रोग्राम जो कि आपको घर बैठे दिखाएगा, जिसमें होंगे डांस, सिंगिंग और भी बहुत कुछ। तो आपको अब इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है, सब बच्चे आपके सामने डांस करके दिखाएंगे, आप मनोरंजन करते रहे हमारे एसटीएन टीवी चैनल के माध्यम से। मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ के ट्रेनर हैं वो इन बच्चों के साथ आकर के एक बार डांस करके दिखाएं हमारे दर्शकों को जो घर बैठे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिसका नाम है द टैलेंट। द टैलेंट, हम आपके लिए ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं सिर्फ एसटीएन टीवी न्यूज चैनल उत्तराखंड पर। We'll be right back.